हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एमसीक्यू सीरीज़ में अगली वीडियो में 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, वो हमें हल्की सी बस ट्रिक ध्यान रखना पड़ती है। एफ बराबर फॉर्मूला होता है विल साइन थीटा। एफ बराबर विल साइन थीटा, साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, ये मात्रक रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी को कहा जाता है, तो हमें बी का मात्रक देखना होता है। बी को यही रहने देंगे, आई एल को उठा के इस एफ के नीचे लेके आएंगे, तो एफ अपॉन आई एल बराबर कितना बचेगा? बराबर बी बचेगा। अब हमें बी का मात्रक बताना है। जब बी का मात्रक बताना है तो यहाँ पर जगह पर मात्रक लिख दिए जाएंगे, सिर्फ एफ की जगह पर एफ का मात्रक। एफ का मात्रक न्यूटन प्रति, ये बटे का निशान बटे, आई मतलब धारा यानी इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एल लंबाई, चालक की लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये ए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये गलत हो जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, 27वां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक जो होते हैं उनमें से एक ऑप्शन एग्जाम में बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ये चार मात्रक होते हैं। पहला होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है टेस्ला और चौथा होता है गॉस। ये चार मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस। लेकिन गॉस की कंडीशन अलग है, एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं वो बाकी क्वेश्चन में आगे करेंगे। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये चारों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होगा वेबर प्रति मीटर, ये नहीं होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चारों में जो भी दिख जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 28वां सवाल, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक वही सेम होता है, नहीं है कह रहा है, तो नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो है, ये मात्रक है, और क्वेश्चन के अनुसार नहीं है तो यानी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। टेस्ला भी है, ये देखो टेस्ला लिखा है हमने, तो टेस्ला भी है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गॉस भी मात्रक होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक नहीं है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक नहीं है। अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर नहीं होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ही मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक ही बात होती है। मान लो आ जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला या गॉस, चारों हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये बात एक ही होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी मात्रक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। अब जो वेबर है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का और भी मात्रक होता है, जैसे हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स को फाई कहा जाता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा त्रिकोणमिति अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। फाई का हमें मात्रक ज्ञात करना है, क्योंकि फाई क्या चीज़ है? फाई है चुंबकीय फ्लक्स, बराबर बी की जगह पर बी का मात्रक लिख दिया जाएगा। बी का मात्रक अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो बी की जगह पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख दिया। बी की जगह पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू ए, ए क्षेत्रफल होता है, ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक कट जाएगा, ये दो बार मीटर स्क्वायर मतलब दो बार, तो एक कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर? न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर, न्यूटन
कितना बचेगा फिर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो एक मात्रक ये हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये किसका होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसवा। एक गॉस बराबर है, एक गॉस किसके बराबर है, 10^-4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख के आ जाए, चाहे टेस्ला लिख के आ जाए, ये तीनों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाए, या फिर यहाँ पर आ जाए, सपोज करो आप लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसकी जगह आ जाए टेस्ला, तो ये तीनों एक ही मात्रक होते हैं। ये गॉस जो होता है, एक गॉस में 10^-4 होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गति करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वी वी और बी बी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कह दिया जाता है, क्यू की जगह पर सिर्फ ई लिख दिया जाएगा। और लंबवत जब कह रहा है, लंबवत यानी थीटा का मान 90 डिग्री, जब यहाँ साइन 90 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी एफ बराबर ई वी वी बचेगा खाली, एफ बराबर ई वी वी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई और लंबाई एल, यानी चालक में बहने वाली धारा आई लंबाई एल के लंबवत बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल होगा, कितना होगा, आई बी एल, आई बी एल साइन थीटा होता है, लेकिन लंबवत यानी थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो इसका मीन्स हो गया आई बी एल। 33वां, बी ए और फाई में सही संबंध है, इन तीनों में कौन सा संबंध सही है, बी बराबर फाई ए, ए बराबर फाई बी, बी बराबर फाई अपॉन ए, ए बी फाई बराबर 1, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है संबंध, उसके लिए थोड़ा हम देखते हैं। फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बी ए होता है, बी ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर बी ए, चूँकि थीटा का इसमें जिक्र नहीं है तो फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए कोई ऑप्शन, यहाँ तो बी बराबर फाई ए है, यानी ये ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पर ए बराबर फाई बी है, लेकिन यहाँ क्या है, फाई बराबर बी ए, यानी ये भी ऑप्शन गलत होगा। बी बराबर फाई अपॉन, यहाँ से देखते हैं, ये बी बी को एक तरफ कर लेंगे, ए नीचे आ जाएगा इसके, यानी फाई अपॉन ए बराबर कितना बचेगा, फाई अपॉन ए बराबर कितना बचेगा, बी बचेगा, तो बी बराबर फाई अपॉन ए, बी बराबर फाई अपॉन ए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वें सवाल की ओर, 34वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न की जाती है, विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न की जाती है। 35वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मोटर परिवर्तित करता है, यानी मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो मोटर का सेंस आप लोग पंखे से लगाना, जो बिजली का पंखा होता है, पहले उसमें विद्युत आती है, करंट आता है, करंट आने के बाद फिर वो करंट मोटर पर जाता है, वो मोटर क्या होती है, घूमती है, और जिससे कि पूरे पंखे जो होते हैं वो हमें हवा देने लगता है, यानी पहले विद्युत आई, ये तार है इसमें विद्युत आई, यहाँ पंखा लगा हुआ, पंखा घूमने लगा, तो पहले विद्युत आई, यानी विद्युत ऊर्जा को काय में पंखा घूमने लगा, यानी विद्युत ऊर्जा को वो काय में बदलने लगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगा, इसका मीन्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा गलत, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ये भी गलत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ये भी गलत, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, पहले क्या हुआ, पहले करंट आया तार में, तार में करंट आने के बाद फिर वो मोटर में जब गया, मोटर घूमी, तो पहले करंट आया यानी विद्युत आई, तो विद्युत के बाद वो पंखा घूमा, यानी वो यांत्रिक में चेंज हो गया, तो विद्युत ऊर्जा काय में चेंज हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 36वां क्वेश्चन, डायनोमो परिवर्तित करता है, डायनोमो का सेंस सीधा सीधा जनरेटर से, मान लो शादी बरातें होती हैं, आप लोग उसमें जाते होगे, तो पहले जनरेटर को हत्था लगा के ताकत लगा के खूब चलाया जाता है, उसके बाद वो जो जब चलाया जाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को फिर लाइट आने लगती है, पूरे में लाइट आने लगती है, काय में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, यानी जो डायनमो या जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डायनामो उत्पन्न करता है, डायनामो क्या उत्पन्न करता है? डायनामो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। 38वां, लघु पतन के कारण परिपथ में धारा का मान, लघु पतन के कारण परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में एक कुंडी में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फैराडे के पहले नियम के अनुसार, वो अनुक्रमानुपाती डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई कह लो या डेल्टा कह लो, बात एक ही थी। फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, डी का मतलब परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, और जब डी टी नीचे आ जाता है तो इसका मतलब दर हो जाता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह हमारे साइंस के फिजिक्स के एमसीक्यू की सीरीज समाप्त हो चुकी है। 39 MCQ सेकंड वाली यूनिट विद्युत वाली में, 22 MCQ लाइट वाली यूनिट में हमने किए थे। इस हिसाब से सब मिला के 61 MCQ हमारे हो गए विज्ञान के, भौतिक विज्ञान जो पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन, उसमें 61 MCQ हमारे हो चुके हैं, जो काफ़ी पर्याप्त हैं। आप लोग वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो सभी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए और सभी MCQ एक बार में तैयार कर लीजिए, एक एक वीडियो करके बिना स्किप किए सब MCQ देखिए। 61 MCQ में से ही आप को 7 MCQ जो फिजिक्स के आएंगे ज़्यादातर अंदाज में देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अब केमिस्ट्री के MCQ सीरीज चलाई जाए या फिजिक्स के न्यूमेरिकल चलाए जाएं या चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।